Your pretty eyes make me smile, and your little fist. Merry Christmas! Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Happy with Momita. So how are you all? I hope you guys are fine. आज 25th of December है and wishing you all a Merry Christmas. Well, so many of you have asked me कि आप vlog क्यों नहीं upload कर रहे हो, video क्यों नहीं आ रहा है. So let me tell you guys कि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है and for that it was not possible for us to go outside and make a vlog. But anyhow, so we have finally decided कि आज हम लोग बाहर जाने वाले हैं. हम लोग जहाँ जाएंगे उस जगह का नाम है रामपुर and it takes about 2 hours यहाँ से पहुँचने में. आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग बाहर जा रहे हैं and one more thing कि मेरे हमारे साथ हमारे दो ब्रदर भी है, ब्रदर इन लॉ, जो यहाँ घूमने आए थे. काफ़ी इन्जॉय किए हम लोग, काफ़ी मस्ती किए, अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अपने मतलब अपने तो अपने होते हैं. ओके, सो स्टे ट्यून्ड टिल लास्ट. वेल, हम लोग सभी फ्रेश होने के बाद यहाँ मेस में आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए और ये रहे मेरे दो ब्रदर इन लॉज. द वेदर वॉज सो सनी. ये हमारे छोटे वाले भाई है और उस साइड मेरे बड़े वाले भाई. वेल, हमारा रामपुर जाने का प्लान आज इस वजह से बना था बिकॉज मेरे ब्रदर इन लॉज को रामपुर तक छोड़ने जाना था. यहाँ जाते वक्त एक टेंपल आता है जिसका नाम है तरंदा माता. तो ये एक माता जी का टेंपल है. जब भी हम लोग इस रास्ते से गुजरते हैं तो हम लोग इस मंदिर में ज़रूर उतरते हैं, क्योंकि जर्नी स्टार्ट करने से पहले यहाँ उतरने से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आता है. तो यहाँ हम लोग फाइनली रामपुर पहुँच चुके थे. और यहाँ पर भाई लोग का सामान जो लगेज था वो हम लोग के कार से दूसरे कैब में शिफ्ट किया जा रहा था, क्योंकि वो लोग निकलने वाले थे शिमला के लिए. बस 2-3 दिन के लिए ही आए थे हमारे ब्रदर्स, बट इतना ज़्यादा अटैचमेंट और लगाव तो अपनों से ही होता है और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था लास्ट मोमेंट में. जाने से पहले खिजी के चाचू काफ़ी सारे मेमोरीज अपने साथ ले जाना चाहते थे, इस वजह से खिजी का यहाँ फ़ोटोशूट चल रहा था. किजी का फेस देखकर लग रहा था किजी को भी समझ में आ गया था कि उनके चाचू अब शिमला जाने वाले हैं, तो उसका फेस भी थोड़ा अलग सा लग रहा था. भाई लोगों के जाने के बाद हम लोग कार को पार्किंग में पार्क करके
जाने वाले थे टूवर्ड्स मार्केट, क्योंकि जब यहाँ तक आ गए थे तो सोचे थोड़ा घूम लिया जाए तो मन भी फ्रेश हो जाएगा। ये रहा रामपुर का मार्केट और ये है टेंपल। मेरे को पिज़्ज़ा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं नाथपा में, वहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह नहीं मिलता, बट रामपुर में मिलता था। सो वी डिसाइडेड टू ऑर्डर पिज़्ज़ा। किसी साइड में देख रही थी वो छोटे छोटे बच्चे को और छेड़ने जा रही थी वो लोग को। जैसे कि आप सब देख सकते हो कि जब हम लोग आए थे तब बिल्कुल ही खाली था, और कुछ देर में ही जैसे जैसे लंच टाइम होते गया बिल्कुल फुल हो गया रेस्टोरेंट। यहाँ पे किजी कुछ फनी सा कर रही थी, वो अपना टॉवल लेके अपना मुंह पोंछ रही थी और उसके पापा काफ़ी काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हमारा पिज़्ज़ा आ गया था, और मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़ोर का भूख लगा था। पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग फिर से मार्केट निकल गए थे, ऐसे ही टहलते टहलते। मज़ा आ रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद निकले थे हम लोग। So we were enjoying. यहाँ के लोगों को, यहाँ का मतलब जो कल्चर है, अगर आप नोटिस करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ, मतलब पहनावा एंड ऑल एवरीथिंग। यहाँ पे एक हिमाचली कैप जो होता है वो कंपलसरी, वो लगा के रखते हैं ज़्यादातर लोग। चलते चलते हम लोग को रास्ते में पेस्ट्री शॉप मिल गया था, तो हम लोग वहाँ घुस गए थे पेस्ट्री खाने। पेस्ट्री खाने के बाद हम लोग आ गए थे सिड्डू खाने। सिड्डू इज़ अ हिमाचली डिश, एक लोकल डिश है यहाँ का, जो हम लोग के उधर में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये जो अंकल हैं पीछे साइड बना रहे थे उसका डो, और ये आ गया है सिड्डू।
Sidhu is ready to eat. ये बेसिकली आटा से ही बना होता है, ईस्ट दिया होता है, इस वजह से ये फ्लफी होता है। इसका अंदर का स्टफिंग जो है वो ड्राई फ्रूट्स का होता है, और जो हम लोग खाते हैं पोस्तू बंगालीज, उस पोस्तू का होता है। इसको देसी घी के साथ खाया जाता है, आप चटनी के साथ भी खा सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा यम था। सिड्डू खाने के बाद हम लोग मार्केट में देखे, कुछ ज़्यादा ही फ्रेश फ्रेश स्पिनच दिख रहे थे, तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना स्पिनच ले लिया जाए। ये घर आप देख सकते हो, ये यहाँ के राजा जो थे उन्होंने बनाया था। काफ़ी अच्छा और यूनिक सा डिज़ाइन है इसका। हिमाचल में ज़्यादातर घर आपको इस टाइप का ही मिलेगा। रास्ते में ये चटपटी का जो स्टॉल था देखकर बड़ा मज़ा आया, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंने खाया कुछ ऐसा यहाँ, क्योंकि हम लोग के उस साइड ही ये मिलता है, इस साइड बड़ा मुश्किल से मेरे को मिला। अब हम लोग निकल पड़े थे नाथपा के लिए, क्योंकि शाम का टाइम था और हम लोग को टाइमली पहुंचना था, तो हम लोग जल्दी निकल गए थे। वैसे तो काफ़ी ठंड होता है यहाँ पे, लेकिन जब धूप आता है तो गर्मी भी लगने लगता है, जिस वजह से मेरा बाल का हाल ही ख़राब हो गया था। वेदर सनी था, इस वजह से ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यहाँ किजी पूरा पूरा मतलब एग्जॉस्ट हो चुकी थी सुबह से ट्रैवल करके, थक चुकी थी मेरी बच्ची। सफ़र थोड़ा लंबा था और ठंड का मौसम था, तो चाय का तलब किसको नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए थे।
हमारा क्रिसमस भी पहाड़ों के बीच ही कट गया, पता भी नहीं चला। अब हम लोग घर में जाके, मतलब भावनगर में हम लोग केक लेंगे और केक लेके हम लोग घर जाएंगे, वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। वेल, हम लोग भावनगर पहुँच चुके थे एंड वी वेर डिसाइडिंग कि हम लोग कौन सा केक ले। सो जल्दी जल्दी हम लोग ने एक केक सेलेक्ट किया और हम लोग घर के लिए निकल गए। सो घर पहुंचने के बाद ये केक का हलाल किजी ने पहले ही कर दिया था हाथ डाल के। And here comes my little cutie, sweetie, chotu sa Santa. चलो, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, जोड़े जोड़े किधर आगे डो, चलो मैरी क्रिसमस बोलो, देखो हाथ तो उठा रहे हैं। चलो 1 2 3 बोलो मैरी क्रिसमस। क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद आप देख सकते हो कि किजी किस तरह से अपना केक को एंजॉय कर रही थी। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, अगर येस देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल दोज हू हैव नॉट सब्सक्राइब येट। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।
एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी विद मोमिता. बाय बाय.